हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ैबुनिसा शेख और मेरे चैनल पर आप सभी का वेलकम है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर राइट साइड पे आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है टेट में आने के चांसेस है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं रीड करती हूँ। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में देखना चाहते हैं, तो देखिए मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, इंग्लिश में बस रीड कर रही हूँ और बता तो हिंदी में रही हूँ, तो वो भी जो है इजीली समझ सकते हैं इसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखेंगे। फाइव फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। जयश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अशोक। प्रवीर इज बिटवीन बबलू एंड सुरेश। सुरेश इज बिटवीन जयश एंड प्रवीर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेती हूँ कि मतलब पांच दोस्त हैं। जयश जो है वो अशोक के बिल्कुल राइट साइड में है, प्रवीर जो है बबलू और सुरेश के बीच में है, और सुरेश जो है जयश और प्रवीर के बीच में है, यानी के दरमियान में है। तो हम इनको ना अरेंज कर लेंगे, ये थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम इसे अरेंज करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो पांचों फ्रेंड्स हैं इनका फेस कहाँ है, साउथ साइड है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फेस साउथ साइड है, तो ये साउथ साइड है हमारा। एक सेकेंड, ये हमारा साउथ साइड है। ओके, तो अभी यहाँ पर अभी जयश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अशोक। प्रवीर इज बिटवीन बबलू एंड सुरेश। सुरेश इज बिटवीन जयश एंड प्रवीर। तो अभी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली हम जो है जयश से अशोक से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जैसे कि मैं इससे पहले भी बताई हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन हमें पूरी तरह से रीड करना है, ताकि हमें शुरू का और लास्ट का क्या सिचुएशन है उसका आइडिया हो सके। तो हम पहले ना बिटवीन वाले ही लेंगे, तभी हम पोजीशन उसकी ठीक से रख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, प्रवीर इज बिटवीन बबलू एंड सुरेश। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, प्रवीर जो है वो बबलू एंड सुरेश के बीच में कहा गया है। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रवीर का पी, बबलू का बी एंड सुरेश का एस। ओके, तो शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, ये जो प्रवीर है, दूसरा कलर ले लेती हूँ। चलिए, अभी देखिए ये जो प्रवीर है, ठीक है, प्रवीर जो है ये बबलू एंड सुरेश के बीच में है, तो मैं बबलू को यहाँ ले लेती हूँ और सुरेश को यहाँ ले लेती हूँ। इन दोनों के बीच में है प्रवीर। उसके बाद क्या दिया है, सुरेश इज बिटवीन जयश एंड प्रवीर। अब सुरेश कहाँ है, वो जयश एंड प्रवीर के बीच में है, तो ये सुरेश है। ठीक है, देखिए ये ना, एक सेकेंड, देखिए ये जो है ना, ये सुरेश है। क्या कहा गया है, सुरेश जो है वो जयश एंड प्रवीर के बीच में है, तो यहाँ प्रवीर ऑलरेडी है ना मौजूद, ऑलरेडी प्रवीर मौजूद है, तो यहाँ पर हम सिर्फ जयश को बना देंगे, जयश को, तो ऑटोमेटिकली सुरेश प्रवीर और जयश के बीच में आ गया। ठीक है, अभी कौन बच गया, अशोक। देखिए ऊपर की लाइन में देखिए, यहाँ देखिए कि जयश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अशोक।
अभी ये जो जियाज है ना, ये जो जियाज है ये इमीडिएट यानी कि फौरन राइट ऑफ अशोक, मतलब अशोक यहाँ आएगा और अशोक के राइट में जियाज आएगा, क्योंकि उनका फेस तो ये साइड है ना, साउथ के साइड है, तो अशोक का राइट ये साइड होगा, ओके यहाँ होगा। तो इस तरह से ये सारे अरेंजमेंट हो गए। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा ना। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। पांचों आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 पांचों भी आ गए। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड डैश। देखिए ये क्वेश्चन में हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट एंड, यानी कि मतलब लेफ्ट से एंड में कौन है। तो लेफ्ट से एंड में कौन है, तो हमें मतलब उनके फेस जो है साउथ में है, तो हमें उस हिसाब से ही लेफ्ट एंड राइट हमें इमेजिन करना होगा, ओके। तो देखिए अगर फेस साउथ में है उनका, ओके, तो राइट ये साइड होता है, राइट ये साइड होता है, एक सेकेंड ना, हाँ, तो राइट ये साइड होता है और लेफ्ट ये साइड होता है, ओके, अगर फेस साउथ की तरफ है। तो यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड में कौन है, लेफ्ट एंड में देखिए लेफ्ट एंड में जो है ए है, ए यानी के अशोक, ए यानी के अशोक है, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको ये वाला आंसर, तो ए है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु इज इन द मिडल। अब मिडल में कौन है, ठीक है, देखिए यहाँ दो लोग हो गए, यहाँ दो लोग हो गए है ना, बबलू एंड प्रवीर, और यहाँ दो लोग हो गए जयाश एंड अशोक। तो ये मिडल में कौन है, सर्कल में ऐसे कौन है, सुरेश, यानी कि हमारा राइट आंसर सुरेश होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग भी देखिए प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग अगर खुद से पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा आइडिया होगा और अच्छे से आपको करना आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आता है आप लोग के, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।